Hello everyone, today we will discuss your chapter number 4, the landlady exercise. Okay, इसके question answer पहले आपको करवा चुकी हूँ बेटा, and send भी कर दिया I think मैंने. अब आज आपकी exercise शुरू करते हैं, हम देखिए आप. Yes, first है आपका choose the correct options. Okay, first question the weather was, इस chapter में जो weather था वो कैसा था, ये आंसर आएगा आपका ए, कोल्ड एंड आइसी. सेकंड देखिए, बिली वीवर फर्स्ट डिसाइडेड टू, बिली वीवर ने फर्स्टली इस चैप्टर में क्या डिसाइड किया था, क्या निर्णय लिया था. टेक अ लुक एट द बेल एंड ड्रैगन बिफोर मेकिंग अप हिज माइंड. यस, उन्होंने पहले क्या सोचा था कि वो द बेल एंड ड्रैगन उसमें जाएंगे और उसको देखेंगे, बाद में कहीं और जाएंगे. नेक्स्ट देखिए, थर्ड है आपका, बिली वीवर फाउंड द लैंड लेडी टू बी, भाई जो बिली वीवर ने पाया कि जो लैंड लेडी थी वो कैसी थी, तो इसका आंसर आएगा आपका नाइस बट अ लिटिल क्रेजी. नेक्स्ट है आपका द पैरेट एंड द डॉग. ओके, तो द पैरेट एंड द डॉग की जो थी वो कैसे थे, हैड बीन स्टफ्ड. दिस इज योर आंसर, सो सी ऑप्शन इज राइट. Yes, your A exercise is fill in the blanks with appropriate phrasal verbs. यहाँ आपको क्या करनी है, phrasal verbs fill करनी है बेटा. यहाँ आपकी जो phrasal verb दी हुई है, इनका जो यहाँ दिया हुआ है, जैसे look for, अगर आप ऐसे सीधा सा मीनिंग लगाएंगे तो इसका मीनिंग, बट इसका यहाँ जो phrasal verb होती है उनका different मीनिंग होता है. तो देखिए हम शुरू करते हैं आपका, see always यहाँ आएगा gets on. She always gets on well with her, all her classmates and everybody likes her. Second देखिए, Rina is a fast learner. She picked up, yes, some Tamil when she was studying in Chennai. Yes बेटा, इनके meaning मैंने देखे यहाँ कुछ write किए हुए हैं, तो ज़रा इनमें देख लीजिए आप, क्योंकि इनमें ज़्यादा करूँगी तो थोड़ा time ज़्यादा लगेगा. Okay, तो firstly fill करवा देती हूँ मैं आपका. I have misplaced my library book. I must look for. क्या आएगा यहाँ, look for it. Fourth देखिए, the music was too loud. My dad asked me to turn down. Turn down. Yes, fifth, Aryan is sad as his dog passed away last week. Yes, sixth, Sarda was taken awake. Okay, when surprise है ना. Yes, when she won the first prize. उसने जब वो surprised रह गई है ना, आश्चर्यचकित. Jerry decided to put off, yes, his vacation for a month. Eighth है, they called off. तो ये exercise आपकी done होती है. ये क्या है आपकी, phrasal verb होती हैं, और phrasal verbs, yes, next आपकी है बी एक्सरसाइज, अंडरलाइन द फ्रेजल वर्ब्स. वही फ्रेजल वर्ब आ गई, तो फर्स्टली हम थोड़ा इसका मीनिंग समझ लेते हैं बेटा. फ्रेजल्स जो वर्ब होती हैं वो क्या होती हैं, देखिए यहाँ मैंने ऐसा आपका राइट किया है, मेन वर्ब प्लस एडवर्ब. ओके, फिर यहाँ फिर से आप मेन वर्ब प्लस, यस, प्रेपोजिशन, और यहाँ क्या है, मेन वर्ब प्लस एडवर्ब भी हो सकती है आपकी, प्लस प्रीपोजिशन भी हो सकती है. ये किस में आती हैं आपकी, फ्रेजल वर्ब में आती हैं, है ना. तो ये आपकी क्या हुई, फ्रेजल वर्ब. नेक्स्ट देखिए, यस, यहाँ आपको ओनली क्या ध्यान रखना है कि एक तो आपको फ्रेजल वर्ब को तो अंडरलाइन करना है, एंड सेंटेंस एंड सर्कल द नाउंस, और उसमें जो नाउंस है उसमें क्या करना है आपको, सर्कल करना है. ओके, तो यहाँ देखिए आपका, अगर मैं बोलूँ कि फ्रेजल वर्ब, यहाँ क्या है आपकी, प्रेपोजिशन, और यहाँ क्या है, मेन वर्ब. तो यहाँ इस तरीके से आप करेंगे, बट ये जो क्या है वो नाउन है. कहने का मतलब क्या हुआ, ये इसमें आपको डैश वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा, ओनली इस वे में मिलेगी आपको, जबकि आपका नाउन होगा वो इकट्ठा आपको मिलेगा. ठीक है, तो इसमें आ गया अनसोल्ड आउट पे अंडरलाइन, एंड शेल आउट पे आप क्या लिखोगे, सर्कल लगाओगे. सेकंड में है बेंडेड आउट, अंडरलाइन, हैंड आउट्स पे, यस, जो यहाँ है इस पे क्या लगाओगे आप, सर्कल्स. शो मी माई हैंड,
यस. नेक्स्ट है आपका थर्ड, द रिटायर्ड कोच डिसाइडेड टू कम बैक. कम बैक पे क्या आएगी आपकी अंडरलाइन, एंड जो ये कम बैक है इस पे क्या आएगा आपका सर्कल. फोर्थ में देखिए आप चेंज्ड ओवर, क्या आएगा यहाँ अंडरलाइन एंड यहाँ क्या आएगा आपका सर्कल. नंबर फिफ्थ टर्नड आउट पे क्या करेंगे आप अंडरलाइन, एंड ये जो टर्न आउट है उस पे क्या करना है आपको सर्कल. ये आपका क्या है नाउन. इधर ये जो वर्कआउट है अंडरलाइन, ये जो है सर्कल वर्कआउट. इसमें क्या कर रहे हैं हम फ्रेजल वर्ब और नाउन्स पे करना है आपको. यहाँ देखिए टुक ओवर अंडरलाइन, और यहाँ जो टेक ओवर है इस पे क्या करोगे आप सर्कल. एंड द एट्थ पे आपको करना है सेम एज इट इज़. यहाँ देखिए ब्रेक डाउन है, इस पे अंडरलाइन करेंगे, और ये जो ब्रेक डाउन है उस पे क्या करोगे सर्कल. इसी तरह जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है बेटा थोड़ा फटाफट करेंगे क्योंकि ज़्यादा बड़ी हो जाएगी वीडियो. आई डोंट थिंक वी शुड, यहाँ क्या आएगा आपका मेक आएगा, क्योंकि कोलोकेशन में क्या है जो वर्ड है आपको ऐड करना है इसके साथ कि क्या जो वर्ड है राइट रहेगा. तो यहाँ आपका बन गया मेक आ डिसीजन इस वर्ड के साथ. सेकंड है डू मी आ फेवर. ओके. थर्ड में आपका आएगा स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी, एंड फोर्थ है आपका ग्रेट सक्सेस. फिफ्थ में आपका आएगा वी आर फेसिंग आ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. सिक्स है इट वॉज सच अ प्लीजेंट सरप्राइज. सेवन्थ है आपका नेचुरल डिजास्टर, और एट्थ है आपका शार्प पेन. तो इसमें आपका क्या आ जाएगा शार्प पेन. नेक्स्ट देखिए थ्री. यस लुक योर ग्रामर पोर्शन. यहाँ आपका जो ग्रामर पोर्शन है वो देख लीजिए आप. अब यहाँ आते हैं नीचे ए एक्सरसाइज. फिल इन द ईच ब्लैंक विद द मोस्ट सूटेबल वर्ब्स. यहाँ आपको क्या करनी है जो वर्ब है जो सूटेबल है वो आपको यहाँ फिल करनी है. देखिए द फोन डैश विल यू आंसर इट प्लीज. तो यहाँ आएगा आपका इज रिंगिंग, कि जो फ़ोन है उसकी जो रिंग है वो बज रही है. तो यहाँ आपको फ्यूचर का ये दिया हुआ है. ओके. नेक्स्ट है वेयर डिड यू फाइंड दिस बुक. तो यहाँ क्या है आपका यस, तो आई यहाँ लिखेंगे हैव बीन लुकिंग. ओके. थर्ड में आपका आएगा बेटा आशा सिंग्स वेल एज सी हैज बीन टेकिंग. फोर्थ है आपका सेकंड फॉर्म विजिटेड, एंड फिफ्थ है विल बी टेकिंग, एंड नेक्स्ट माई मदर इज अ सेफ सी वॉक्स इन अ बिग रेस्टोरेंट, और सेवन्थ है प्रिया हैज बीन वेटिंग फॉर हर मदर फॉर 20 मिनट्स नाउ. ओके. लास्ट है आपका मनु विल बी स्लीपिंग, क्योंकि यहाँ आपका क्या है प्रेजेंट टेंस, तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा फ्यूचर टेंस. ओके. फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. तो ये ध्यान रखेंगे यहाँ जैसे टाइम दिया हुआ है तो यहाँ आपका कौन सा आ गया हैज बीन प्लस वेटिंग, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है ना. यहाँ आपका जो फर्स्ट फॉर्म दी है कि जो मदर है वो क्या है सेफ है, यहाँ प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस का यूज हुआ है. यहाँ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज हुआ है, यहाँ पास्ट टेंस का यूज हुआ है, यहाँ हैज बीन टेकिंग प्रेजेंट, यस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंटीन्यूअस टेंस. ओके. नेक्स्ट है आपका, अब इस तरीके से आपको फिल कर लेना. यस बेटा फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट टैग क्वेश्चन. क्वेश्चन टैग जैसा कि मैंने आपको क्लास में भी अच्छे से समझाया था कि क्वेश्चन टैग में क्या होता है, जो आपका पॉजिटिव होता है उसको आप क्या बनाओगे नेगेटिव. पॉजिटिव में कहने का मतलब जिसमें नोट नहीं होता उसमें आपको क्या लगाना होता है नोट लगाना होता है, और जिसमें होता है उसमें क्या कर देंगे हम रिमूव कर देंगे हटा देंगे उसको. ठीक है. नेक्स्ट है इसमें आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, कोई भी अगर हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले आएगी, और वो स्टार्ट किससे होगी स्मॉल लेटर से. ये चीज़ें आप याद ध्यान रखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब जो सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका बनेगा हेल्पिंग वर्ब प्लस अगर नॉट है तो नहीं है तो लगा दीजिए, अगर है तो हटा दीजिए, प्लस आपका क्या आएगा सब्जेक्ट और विद क्वेश्चन मार्क. तो इस तरीके से आप करेंगे. देखिए यहाँ जैसे अभी है सी लव्स. लव्स क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये कौन सा टेंस हो गया प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आपकी क्या होती है डू और डज. अकॉर्डिंग योर सब्जेक्ट
कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगते हैं डू और डज, तो अकॉर्डिंग योर सब्जेक्ट के अगर सी के साथ क्या लगेगा आपका डज, अगर यहाँ आई होता तो हम क्या लगाते डू, बट यहाँ क्या लगेगा डज, और यहाँ नोट नहीं है तो इसमें लगा देंगे डजंट सी, यहाँ क्या हो गया सब्जेक्ट और ये क्या लगा दिया आपका क्वेश्चन मार्क। तो अगर यहाँ नोट में है तो यहाँ यस में कर देंगे, इस तरीके से पूरे आप करते चले जाएंगे। मैं ओनली आपका क्वेश्चन टैग करवा रही हूँ। ओके नेक्स्ट देखिए, दे आर नॉट ट्रेवलिंग, यहाँ नोट दिया हुआ है यस, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी आर दे, तो आर हमने देखिए नोट हमने हटा दिया, यहाँ आर दे क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है यहाँ इज हेल्पिंग वर्ब है, नोट नहीं है तो इजंट सी क्वेश्चन मार्क। फिर आपका आर क्या है हेल्पिंग वर्ब, तो आर नॉट दे यस। फिर है विल नॉट यू, नेक्स्ट है इज है यहाँ हेल्पिंग वर्ब, तो इज इजंट सी। फिर है आपका हैज नोट दिया हुआ है तो यहाँ हैज सी क्वेश्चन मार्क। फिर सिस्टर विल, यहाँ विल आ गया तो क्या लिखेंगे विल नॉट योर सिस्टर। नेक्स्ट है दीज एप्पल्स, तो यहाँ आप लिखेंगे यस डोंट दे, अगर आप यहाँ दे का भी दीज का भी यूज़ कर सकते हैं बट यहाँ मोस्टली हम दे का यूज़ करते हैं, तो यहाँ आप किसका यूज़ करेंगे दे का। यस वी हैव डन अ गुड जॉब, तो यहाँ आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या है हैव और नॉट लगा नहीं और हैव नॉट वी। एंड नेक्स्ट है आपका वॉज, वॉज क्या है हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ आपकी हो गई वॉज नॉट ही। ओके यस बेटा, दिस इज़ योर लास्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 4th लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो इसमें आपको जैसा कि मैंने आपकी जो हंसल एंड ग्रेटल वाली स्टोरी सुनाई थी यस, टू ब्रदर एंड सिस्टर और उनकी स्टेप मदर होती है, तो उसके अकॉर्डिंग उस स्टोरी के अकॉर्डिंग यहाँ आपको क्या करना होता है फिल करना होता है। ओके तो यहाँ फर्स्ट में आएगा आपका फेमाइन, नेक्स्ट है आपका पेबल्स। ओके यहाँ जो आएगा आपका हंसल एंड ग्रेटल रिस्ड देयर हाउस बाय फॉलोइंग द पेबल्स, कि जब हंसल स्टेप मदर उनको जंगल में छोड़ के आ जाती है तो वो किस चीज़ को देख के आते हैं, वो पेबल्स को देख कर वापस क्योंकि वो गिराते हुए चलता है ना। नेक्स्ट 4th है आपका यहाँ ब्रेड क्रम्स, ब्रेड क्रम्स बी आर ई ए डी सी आर यू एम बी एस, जो ब्रेड के टुकड़े थे वो उनको गिराते हुए चलता है बट वो नहीं आ पाते वापस क्योंकि उस टाइम पे जो ब्रेड क्रम्स को तो जो जानवर हैं वो खा जाते हैं। नेक्स्ट है ब्रेड केक और सुगर, नेक्स्ट है आपका 6th गुड मील और ये क्या है आपका बेड्स, नेक्स्ट है आपका हेवन और नेक्स्ट है आपका फुल फुल। ओके तो आपका ये हो गया आपका ये जो एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। तो ये हंसल और ग्रेटल की अगर क्लास में टाइम मिले तो याद दिलाना, पूरी स्टोरी आपको अच्छे से सुनाऊंगी। वैसे 8th क्लास ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मैं सुना चुकी हूँ आपको ये स्टोरी। ओके ओके थैंक्स एवरीवन, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर। ओके थैंक्स।